हेलो दोस्तों, मैं प्रबोध सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नदियां। दोस्तों, तो राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह है और क्या सिस्टम है, किस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ, किस तरफ अरब सागर के और किस तरफ आंतरिक प्रवाह का निर्माण, तो कुछ हम आज आंतरिक प्रवाह की नदियों को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जो नदियों का जो क्रम है, यदि नदियों में हमारे जो ब्लॉक्स है, जल ब्लॉक्स है, या जो जल का जो जोन है, वो राजस्थान में 237 है। इसके अंदर से 32 बिल्कुल सुरक्षित जोन है दोस्तों, 140 है वो ब्लैक जोन में है। किसमें है? ब्लैक जोन में है। 50 है वो क्रिटिकल में है, क्रिटिकल जोन में है। दोस्तों, हमने पानी को डिवाइड किया दोस्तों, और इसके जो 40 जोन है दोस्तों हमारे, इसके जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके हमारे जो 50 जोन है और जो 14 जोन है वो सेमी क्रिटिकल में है, सेमी क्रिटिकल में दोस्तों। और हमारे जो 11 जोन है दोस्तों, उसमें बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है। तो ये है दोस्तों हमारे राजस्थान में जो जोन है पानी के, वो 237 है। अगर भारत में बात करें तो ये 5723 जोन है दोस्तों। हमारे यहाँ जो सतही जल है वो 1.16% है, और इसमें से 1.05% अकेली चंबल नदी लेके जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। हमारे यहाँ जो जल ब्लॉक्स है, जो जल के ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें 13 ब्लॉक है और जलग्रहण क्षेत्र है जो 13 जलग्रहण क्षेत्र, जो जलग्रहण क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है वो 13 है, और उप जलग्रहण जो क्षेत्र है, उप जल जो ग्रहण क्षेत्र है वो 59 है दोस्तों। ओके, इसके अलावा सबसे ज्यादा नदियों का जो उद्गम होता है वह होता है उदयपुर से। सबसे ज्यादा नदियां कहां से निकलनी शुरू होती है, उद्गम कहां पर है, तो चित्तौड़ है। सर्वाधिक नदियां कहां पर है, सर्वाधिक नदियां कहां बहती है, तो दोस्तों चित्तौड़ जिला पूछ। सर्वाधिक किस संभाग में नदियां है, सर्वाधिक, सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है, तो दोस्तों कोटा। किस संभाग में कम है सबसे ज्यादा, दोस्तों मैंने संभाग वाला जो पढ़ाया था आपको, उसमें ये सारी चीजें बताई थी मैंने, तो बीकानेर में कम है दोस्तों। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां पर नदियां नहीं है, नदियां नहीं है, वो है बीकानेर व चूरू। अगर वैसे दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में अपनी खुद की नदी नहीं है, लेकिन गगर नदी बहती है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, जैसे बनास नदी है वो टोंक को दो भागों में बांटती है, टोंक को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार अपने कांतली नदी है, कांतली नदी है वो झुंझुनू को, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, तो जो लंबी नदी है वो है बनास, 480 किलोमीटर। यदि पूर्ण पूर्ण बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से करें तो वह भी बनास है। पूर्ण मतलब राजस्थान से शुरू होती है और राजस्थान में किसी अन्य नदी में मिल जाती तो वो भी बनास है पूर्ण दृष्टि से। अगर सबसे प्रदूषित नदी कहे, प्रदूषित नदी राजस्थान की, तो वह है भांडी पाली, भांडी नदी है वो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसी प्रकार यूनेस्को ने, यूनेस्को ने किस नदी को नामित किया राजस्थान की, तो वह है दोस्तों चंबल,
ये कुछ भाई ऊपरी तौर पे अभी मैं आप जो टॉपिक को शुरू कर रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें देख रहे हैं। मैं दोस्तों आपको कुछ और बताता हूँ, देखना कि जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण की दृष्टि से क्रमशः कौन कौन सी नदियां, तो मैं आपको एक टिक्स बता देता हूं, चलो बमास ये ट्रिक्स याद रखना आप, छह से चंबल है दोस्तों जो 20.90% पानी लेके जाता है, लूणी नदी है वो 10.41% दोस्तों, बनास है दोस्तों तो वह 9.80 कहीं कहीं 85 भी लिखा हुआ तो ध्यान रखना, माही है तो 4.49% और साबरमती है जो 1% जल लेके आते। तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी चंबल, फिर लूणी, फिर बनास, फिर साबरमती। इसी प्रकार हमारा जो अरावली है उसकी जो दिशा है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो ये इसकी जो लोकेशन है वह दक्षिण से उत्तर की होने के कारण राजस्थान में ये बादलों को रोक नहीं पाता और कम बारिश होती है। तो ये भी यहां से देखना, इसके दक्षिण भाग की नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता, मतलब जल विभाजन का काम करता, और जो पश्चिम की तरह है वह अरब सागर की तरफ जाता है दोस्तों। किसकी तरफ जाता है? अगर अरब सागर की तरफ, तो अरावली भी विभाजन का काम करती है। एक हमारे सांबर झील है वह भी जल विभाजन का काम करती है। सांबर झील जो 32 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर चौड़ी है जयपुर, तो इसकी इस तरफ का पानी बंगाल की खाड़ी में और इस तरफ का पानी दोस्तों जो जाता है वह अपने अरब सागर में जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के 6 जिले हैं दोस्तों वो भी जल विभाजन का काम करते हैं। जल विभाजन का मतलब उनका पानी बंगाल की खाड़ी में भी जाता है और अरब सागर में भी जाता है। तो वो कौन कौन से जिले दोस्तों, देखना आप, मतलब जल विभाजन वाले जिले, जल विभाजन वाले जिले दोस्तों। तो देखना आप जयपुर से शुरुआत करें, जयपुर का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ या अरब सागर की तरफ जाता है। जयपुर, अजमेर, राजसमंद, फिर उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ये 6 ऐसे जिले दोस्तों, 6 जिनका पानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ जाता। तो ये देखना अरावली जल विभाजन का काम करता, अरावली के बाद में सांबर करती है, फिर ये 6 जिले हैं जो जल विभाजन का कार्य दोस्तों करता है। अब इन्हीं जल विभाजन के आधार पर हमारी नदियों को 3 भागों में बांटा गया प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों, कि राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया, तो 3 प्रकार का प्रवाह है दोस्तों। कितने प्रकार का प्रवाह? 3 प्रकार का। एक आंतरिक प्रवाह, ये मैं बता दूं दोस्तों, मतलब राजस्थान का 60% जल है जो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता। कैसे? न तो बंगाल की खाड़ी में जा पाता, न वो अरब सागर में जा पाता, बीच में रुक जाता, बीच में। और राजस्थान ने भारत का सबसे ज्यादा आंतरिक जल प्रवाह भी राजस्थान में ही है, भारत का नहीं दोस्तों, विश्व का सबसे ज्यादा आंतरिक जल भी भारत में ही है दोस्तों। तो 60% है। इसके बाद जो अरब सागर की तरफ है जो पानी जाता है दोस्तों, वह हमारा जाता है 16%, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो पानी जाता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ वह जाता 24%। तो इस प्रकार राजस्थान में प्रवाह है वह 3 प्रकार का है, एक आंतरिक प्रवाह, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी की दोस्तों। आंतरिक प्रवाह में सबसे ज्यादा जल है जो बीच में ही खत्म हो जाता है उसको आंतरिक जल, और ये विश्व और भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों राजस्थान में है। फिर अरब सागर की तरफ 16% और बंगाल की खाड़ी की तरफ दोस्तों 24%। तो इस प्रकार हमारे पास राजस्थान में 3 प्रवाह हो जाते हैं दोस्तों। तो आज हम जिसकी शुरुआत करेंगे वह है आंतरिक प्रवाह, मतलब आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बता कि घसामेरू काकारू, ये जो 9 नदियां हैं, एक ट्रिक्स है घसामेरू काकारू जिस पर हम बात करेंगे, उसमें से जो कौन कौन सी नदियां हैं मैं आपको बता देता हूँ।
तो आओ हम आंतरिक प्रवाह की नदियों को हम शुरू करते हैं दोस्तों। नदियों में से जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों आप निश्चिंत रहना, कोई बाहर नहीं जाएगा। आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है दोस्तों, कितना है 60% ज्यादा है, ठीक है ना। और ये विश्व और भारत में सबसे अधिक है। और आंतरिक प्रवाह एक बार फिर बात परिभाषा बता देता हूं कि वह जल जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही खत्म हो जाता है, उसको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। ये नदियां कौन कौन सी है देखना, गसा, मेरू, काका, ये जो सात नदियां दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन नदियों से ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। देखना, घ से गगर, सा से सावी, मे से मेरू, रुपेलगढ़, कांतली, काकने और रूपारे, ये जो नदियां हैं, ये जो ट्रिक्स है वो आपको याद रखना दोस्तों। घसा मेरू काका एक बार फिर बता देता हूँ, घसा मेरू काका दोस्तों, देखना गगर, साबी, मैंथा, रुपेनगढ़, कांतली, काकने और रूपारे दोस्तों, ये आंतरिक प्रवाह के लिए। अब इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों वह पढ़ेंगे अपन गगर के। गगर दोस्तों ये जो नदी है ये हमारे हिमाचल प्रदेश यानी एचपी, मैं यहाँ एचपी हिमाचल प्रदेश लिख रहा हूँ, उसकी शिवालिक श्रेणियों से, शिवालिक श्रेणी से निकलती है। और उसमें भी पर्टिकुलर स्थान कौन सा है, कालका से निकलती है, कालका से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है वह 465 किलोमीटर दोस्तों, ओके। ये एचपी हिमाचल प्रदेश के बाद में पीबी पंजाब के बाद हरियाणा के बाद दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में जो इसका प्रवेश होता है दोस्तों वह होता है एक खब्बा नामक स्थान है कहीं कहीं पर। और ये तहसील जो इसकी आएगी, तहसील वह आएगी टिब्बी आएगी दोस्तों। ये राजस्थान के दो जिलों में बहती है, एक दोस्तों प्रवेश जो होता है इसका हनुमानगढ़, कहां पर हनुमानगढ़, और प्लस गंगानगर दोस्तों। अब देखना दोस्तों ये जो आएगी हिमाचल से आने के बाद, देखना आप ये शिवालिक की श्रेणियां हैं ये, और वहां से हिमाचल से निकलने के बाद ये एचपी से निकलती है, फिर पीवी और फिर हरियाणा में दोस्तों यहाँ पर एक ओटू झील बनी हुई। इस पर कौन सी झील बनी हुई दोस्तों, ओटू झील बनी हुई दोस्तों। फिर ये राजस्थान में जो प्रवेश करेगी ये जो जगह वो है खब्बा, कौन सा है दोस्तों खब्बा। तहसील कौन सी हो जाएगी दोस्तों, टिब्बी तहसील हो जाएगी, कौन सी तहसील हो जाएगी दोस्तों, टिब्बी तहसील हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसके किनारे पे दोस्तों यहाँ पर एक भटनेर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है दोस्तों, भटनेर दुर्ग। ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन है, 288 ईसा पूर्व बना था दोस्तों, भूपत भट्टी ने इसको बनाया था दोस्तों। ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है और सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए उत्तरी दिशा से, जब भी आक्रमण होते दोस्तों, ये तैमूर लंग ने भी इस पर आक्रमण किया था, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, अकबर ने भी इस पर अधिकार किया था दोस्तों। बहुत कहानी है, जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ये जो दुर्ग है ये दोस्तों इस गगर नदी के किनारे पर है दोस्तों, और यहाँ आके दोस्तों ये तलवाड़ा झील में गिर जाते हैं। किसमें गिरते दोस्तों, तलवाड़ा झील में गिर जाती है दोस्तों। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है वह है 156 किलोमीटर। और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। वैसे एक नदी आएगी साबी 185 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों भरतपुर में चली जाती है उसकी अधिकतम जो लंबाई, तो आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी है और ये कितनी है 156 किलोमीटर। तो ये हनुमानगढ़ में कहां पर आके गिरेगी, तलवाड़ा झील में दोस्तों, याद रखना।
ये तलवाड़ा झील राजस्थान की दूसरी सबसे नीची झील है। सबसे ऊंची झील हमारी नक्की है, नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है, और सबसे नीची है वो सांबर है, और दूसरे नंबर की जो झील है वह तलवाड़ा दोस्तों, तलवाड़ा झील के अंदर आके गिरती है। इसके किनारे पर दोस्तों ध्यान रखना रंग महल, हमारी जो सभ्यता है रंग महल, कालीबंगा, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, कालीबंगा और एक पीली बंगा, ये तीनों की तीनों जो सभ्यता है दोस्तों इसके किनारे पर, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको थोड़ा बाय मैप से ही चलते हैं हम, ठीक है ना। ये तीनों है, और ये जो भटनेर दुर्ग है ये इसके पेटे के नीचे स्थित है दोस्तों। हनुमानगढ़ जो शहर है यहाँ, ये जो हनुमानगढ़ शहर है दोस्तों ये इसके पेटे के नीचे स्थित है, क्योंकि यहाँ पर आकर इसका जो प्रवाह है वो फैल जाता है, इसलिए हनुमानगढ़ में जो इसका प्रवाह है दोस्तों वो पाट या नाली कहलाता है, ये नाली का निर्माण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर ये नदी खत्म हो जाती है तो इसको मृत नदी, इसका पानी फैल जाता है तो मृत नदी या डेड रिवर, क्या कहेंगे हम, डेड रिवर, ठीक है दोस्तों। इसीलिए लेटी हुई नदी भी कहते हैं इसको, लेटी हुई नदी, और इसको सोतर नदी के नाम से भी जानते हैं। और जैसे उपनदी उपनाम इसके चल रहे तो इसको ऋग्वेद काल में दोस्तों, और ऋग्वेद काल में इसको द्रष्टद्वती या स्वरसती कहा गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसी नदी के किनारे हमारे तमाम दृश्य जितने भी जो वेद वगैरह है कहा जाता कि इसके किनारे ही लिखे गए दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। यहाँ जो हनुमानगढ़ में इसका जो प्रवाह है वो पाट या नाली नदी के नाम से, और इनको इस उपनदी के नाम, जब इसका पानी फैल जाता है और बहुत तबाही मचाती है हनुमानगढ़ में, इसीलिए इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसका पानी हनुमानगढ़ से जब बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है तो यहाँ पर गंगानगर का सूरतगढ़ है वहाँ तक पहुँच जाता है सूरतगढ़, इससे भी ज़्यादा पानी होता तो गंगानगर में ये अनूपगढ़ तक पहुँच जाता है। कहाँ पर पहुँच जाता है दोस्तों, अनूपगढ़ तक इसका पानी पहुँच जाता है। गंगानगर की खुद की मैंने कहा कोई नदी नहीं है, लेकिन गगर नदी उसके अंदर जाती है, और ये इसकी याद रखना, मतलब ये कहाँ से बाढ़ आती है या ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तब गंगानगर के सूरतगढ़ तक पहुंच जाती है, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब इसका पानी कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में किस स्थान पर, पोर्ट अब्बास तक, और पोर्ट अब्बास में जब पाकिस्तान में इस नदी का पानी जाता है तो उसके प्रवाह को, जैसे राजस्थान में इसके प्रवाह को पाट या नाली कहा जाता है, पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को आखरा या हाकड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर से प्रवेश करते पश्चिम में और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, तो दोस्तों ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। कौन सी है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। इसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको सारी के सारी बता दी है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। साथ में देखना हाकड़ा या हाकड़ा से एक किंवदंती है जो मैं आपको बता दूं कि आवड़ माता ने नाराज होकर, जब आवड़ माता इस तरफ नदी को क्रॉस करना चाहती थी और पानी इस जगह मार्ग नहीं दे रहा था, तब कहते हैं ऐसी किंवदंती है दोस्तों कि आवड़ माता ने अपने प्रभाव से इस नदी का पूरा पानी सुखा दिया था, इसीलिए इसको हम किस नदी, इसको हाकड़ा या हाकड़ा के नाम से भी कहते हैं। लेकिन अमूमन कंपटीशन में आप याद रखना कि पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्या कहलाता है, वो हाकड़ा या हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसकी बड़ी से बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है, आप इसका ध्यान रखना, विशेषकर यहाँ से जो है ध्यान रखना आप कि पूछा जाए कितने जिलों को
कितने जिलों में बहती है, तो AHP है, पंजाब है, हरियाणा है और फिर राजस्थान। राजस्थान में खब्बा से प्रवेश टिब्बी तहसील में, तीनों का हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वो इसके किनारे पर है स्थित है। ये तो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष थे और ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के। भटनेर दुर्ग है जो राजस्थान का दूसरा प्राचीन है, तलवाड़ा झील में आके गिरती है। भटनेर दुर्ग और हनुमानगढ़ इसके पीठे के नीचे स्थित है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो दोस्तों ये गंगानगर भी चली जाती है, सूरत का अनुगढ़, और फिर वहाँ से पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ आके नदी फैल जाती है, इसलिए पाट या नाली का निर्माण करती है, इसलिए नदी मर जाती है, खत्म हो जाती है, इसे मृत नदी या डेड रिवर या लेटी हुई या सोतर के नाम, ऋग्वेदिक काल में दोस्तों इसको त्रस्तदति के नाम से भी पहले, जब हनुमानगढ़ में ये पूरा पानी फैल जाता है तो पहाड़ की स्थिति हो जाती है, इसलिए राजस्थान का शोक कहा जाता है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। और आंतरिक प्रवाह की दोस्तों सबसे बड़ी नदी थी, अमूमन आंतरिक प्रवाह में से दो तीन नदियां हैं, जैसे ये है, जैसे कांतली है, जैसे साबी है, वहां से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखना। अब हम अगली नदी पे चलते हैं दोस्तों, जो है कांतली, कांतली नदी जिसका उद्गम स्थल सीकर से होता है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से होता है, अभी हम उसके पूरी उस पर बात करते हैं दोस्तों। कांतली नदी, कांतली जो सीकर से निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, सीकर, सीकर में से किस जगह से निकलती है, ये दोस्तों नीम का थाना, नीम का थाना तहसील से, इसके पर्टिकुलर किस स्थान से, तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ओके दोस्तों, इस सीकर के अंदर ही इसके गणेश्वर सभ्यता, ताम्रकालीन गणेश्वर सभ्यता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ताम्र युगिन की जननी भी कहा जाता है, ताम्र युगिन की राजधानी भी कहा जाता है इसको, ताम्र युगिन की राजधानी कहता है, जननी कहता है, ताम्र युगिन का ये निर्यात केंद्र है, कैसा केंद्र था दोस्तों, निर्यात केंद्र था। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, तो कांतली नदी के किनारे पर दोस्तों, मैं आपको इस पर और बता देता हूँ, ठीक है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता पे एक ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी थी, राजधानी थी और निर्यात केंद्र थी दोस्तों। इसके बाद ये नदी है दोस्तों जो झुंझुनू में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, झुंझुनू में प्रवेश करती है, झुंझुनू में, और झुंझुनू में इसके किनारे पर दोस्तों एक सभ्यता है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, और ये सभ्यता है जो ये लोहे युगीन सभ्यता। ये कांतली नदी दोस्तों झुंझुनू को, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। ये नदी अमूमन देखना आप मौसमी नदी कहते हैं, क्या नदी कहते हैं इसको, मौसमी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि, और फिर इसका नाम कांतली क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये मिट्टी का कटाव ज़्यादा करती है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा करती है, कटाव ज्यादा करती है दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, कांतली नदी। क्या है दोस्तों, कांतली नदी, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए इसको कांतली कहते हैं। और फिर ये झुंझुनू में, झुंझुनू में शुरू की सीमा के पास, शुरू की सीमा के पास मंडला गांव में जाकर खत्म हो जाते दोस्तों, मंडला गांव या मांडलो गांव में जाकर ये पूरी तरह से खत्म हो जाते दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी जो कुल लंबाई है वह 100 किलोमीटर, और दूसरा ध्यान रखना पूर्णत बहाव की दृष्टि से, पूर्णत बहाव की दृष्टि से, मतलब आंतरिक नदियों में, आंतरिक नदियों में यह सबसे बड़ी है पूर्णत बहाव की। वैसे राजस्थान की ऑल ओवर नदियों में पूर्णत बनास सबसे लंबी बनास, लेकिन आंतरिक प्रवाह की सबसे पूर्णत बहाव की लंबी से सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में खत्म होती है, गगर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी दोस्तों, मैंने गगर बताया आपको, लेकिन उसका उद्गम स्थल राजस्थान नहीं, इसका उद्गम स्थल भी राजस्थान है और राजस्थान में खत्म होती है, तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी पूर्णत बहाव की दृष्टि से दोस्तों, ध्यान रखना पूर्णत शब्द यहाँ पर आ रहा है। दूसरा दोस्तों कांतली नदी के जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है
उसको दोस्तों तोरावाटी बेसिन कहते हैं, तोरावाटी बेसिन कहते हैं। तोरावाटी बेसिन क्यों कहते हैं कि इस क्षेत्र में पहले तवर शासकों का अधिकार था, तवर शासकों का अधिकार था, इस कारण ये तोरावाटी का बेसिन भी बनाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ओके, ये इसका फिर ये नदी पूरी पूरी सेखावाटी क्षेत्र में बहती है, तो सेखावाटी की भागीरथी कहा जाता है इसको, सेखावाटी की भागीरथी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। मतलब सेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध नदी है तो ये कांतली नदी दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण सीकर के तहसील के नीम का थाना खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और वहां पर इसके किनारे पर एक सभ्यता कणेश्वर सभ्यता, ये दोस्तों ताम्र युगीन है। कौन सी है? ताम्र युगीन है। इस कारण ताम्र युगीन की जननी, ताम्र युगीन की राजधानी और सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, इसलिए ताम्र युगीन का निर्यात केंद्र भी कहा जाता है। झुंझुनू में इसके किनारे सुनारी सभ्यता जो दोस्तों लोहे युगीन सभ्यता है, जो कुषाण कालीन सभ्यता है, ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। मौसमी नदी जैसा मैंने कहा केवल बरसात में आती है और मिट्टी का कटाव अत्यधिक करती है, इसीलिए इसको कांतली नदी भी कहा जाता है। ये सीकर और झुंझुनू में ही बहती है, सीकर वह झुंझुनू में ही बहती है, चुरू के अंदर नहीं जाती है, चुरू के बॉर्डर पर जाकर ये दोस्तों खत्म हो जाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सीकर में कहाँ पर मंडला गांव में जाकर ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कांतली नदी। अब दोस्तों एक कम छोटी सी नदी और पढ़ते हैं, फिर इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे दोस्तों, आंतरिक प्रवाह का पार्ट फर्स्ट और आंतरिक प्रवाह का पार्ट सेकंड दोस्तों। तो इसका जो एक नदी जैसे हम काकने या कागने या इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं, काकने कागने या मसूरदी नदी, ये कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। ये दोस्तों बूझ झील का निर्माण करती है, बूझ झील का निर्माण करती है, कहाँ करती है? रूपसी गांव में। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर में इसके बहुत कम है, कहीं पर इसके 21 किलोमीटर लिखा, कहीं पर 28 लिखा, लेकिन फिर भी ऑल ओवर ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। और ये मीठा की खाड़ी में जाकर गिरती है, मीठा की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये थी आंतरिक प्रवाह की तीन नदियां दोस्तों, तीन में अगले पार्ट में पढ़ूंगा दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।